नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 32वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ सोल्व करते हैं। तो चलिएगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा। बताना है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 70%। ठीक है, तो लगभग 70% 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की महिला साक्षरता है। ठीक है, और संपूर्ण साक्षरता की बात करेंगे तो दोस्तों, तो ये रहेगी 78.8%। ठीक है, बात करेंगे सबसे कम महिला साक्षरता, तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून जनपद की है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है। तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों देहरादून में ही उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय भी स्थित है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय यह हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2024 में दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया गया है प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को। सही आंसर है ऑप्शन वी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये मिला है चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार 2005 में मिला, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में मिला था। ठीक है, और पद्मश्री की बात करेंगे तो इन्हें पद्मश्री 1986 में मिला था। अगला प्रश्न है, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में स्थल है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए दोस्तों कोडियाला ये प्रसिद्ध स्थल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऋषिकेश और कोडियाला दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। सातवां प्रश्न है, ओली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ओली ये चमोली में स्थित है, जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई, इसके द्वारा ओली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि ओली में कब से स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों 1987 से। ओली में दोस्तों 2004 में सेफ खेलों का भी आयोजन किया गया था। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आती है दोस्तों बोक्सा, फिर आती है भोटिया, और पांचवी है दोस्तों राजी। और उत्तराखंड में पांच जनजातियां हैं। नवा प्रश्न है, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है। तो जौनसारी समुदाय का दोस्तों झुमैलो नृत्य नहीं है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। झुमैलो नृत्य जो होता है दोस्तों, तो यह है राज्य में नवविवाहित कन्याओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो नवविवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा झुमैलो नृत्य किया जाता है। दसवां प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल यह दोस्तों चट्टानों पर पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म कमल कहाँ उगता है, तो यह दोस्तों चट्टानों पर उगता है। ठीक है, ब्रह्म कमल की बात करेंगे तो ब्रह्म कमल ये राज्य का राज्य पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सुसेरिया अब्वेलेटा, और इस पर दोस्तों 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, और ये जो पाया जाता है यह है
4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई तक यह आता है। 11वां प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित हुए थे। तो भारत रत्न ये जो मिला है दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला है। कब मिला? 1957 में। ठीक है, तो उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है जीबी पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? तो दोस्तों कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करेंगे हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल व्हेल की, तो यह है दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT ये दोस्तों भीमताल नैनीताल में स्थित है। ठीक है, जो रानीबाग है तो रानीबाग में ही ये स्थित है। अगला प्रश्न है, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो दरबान सिंह नेगी इन्हें दोस्तों 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति आते हैं विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले, गब्बर सिंह नेगी। इन्हें 1915 में दोस्तों न्यू चैपल युद्ध में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो न्यू चैपल युद्ध हुआ था फ्रांस में, तो उसी के बाद दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में पंच केदार नहीं है। तो पंच केदार, एक ट्रिक याद रखिएगा, केम टू रुक। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, केदारनाथ, ठीक है, मधमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और दोस्तों कल्पेश्वरनाथ। और यही क्रम दोस्तों इन केदारों का है। मतलब पहला केदार केदारनाथ, दूसरा केदार मधमहेश्वरनाथ, तीसरा केदार तुंगनाथ, चौथा केदार दोस्तों रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, तो ये पंच केदार हैं, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोपेश्वर। गोपेश्वर दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पताल भुवनेश्वर स्थित है। पताल भुवनेश्वर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। एक आता है पताल रुद्रेश्वर, तो वह दोस्तों चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा, नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो राज्य में नंदा देवी मंदिर यह है अल्मोड़ा में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डोर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है। तो डोर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग दोस्तों जागर गाथाओं में होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? तो टिहरी रियासत से दोस्तों राजतंत्र को खत्म करने का श्रेय श्रीदेव सुमन को जाता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, अल्पना क्या है? तो अल्पना दोस्तों यह एक लोक चित्रकला है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है दोस्तों, बाराहोती दर्रा किस जिले में स्थित है? बाराहोती दर्रा यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ने वाले दर्रे हैं मार्चियोग, लातूधुरा और टोपी दुंगा दर्रा। इन चारों दर्रों को आप कैसे याद रखेगा? 12 मार्च को टोपी लातूंगा। ठीक है, 12 से हो जाएगा बाराहोती, मार्च से मार्चियोग, टोपी से टोपी दुंगा और लातूंगा से दोस्तों लातूधुरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से दोस्तों वीडी पांडे को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ? तो गोरापंत शिवानी का जन्म 1923 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गोरापंत शिवानी की दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास और रचनाएं हैं, इन्हें भी जानते हैं दोस्तों। तो कृष्णकली, कालिंदी, अतीति, पूतो वाली, चलो चल खुसरो अपने घर, शमशान, चंपा, मायापुरी, केंजा, गेंदा,
भैरवी, स्वयं सिद्धा, विश्वकन्या, रति, विलाप और आकाश, ये दोस्तों इनकी प्रमुख उपन्यास और रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, इसमें दोस्तों आप याद रखिएगा कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली और चल खुसरो अपने घर, विश्वकन्या और दोस्तों स्वयं सिद्धा, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम है, तो पिंडर नदी का जो उद्गम होता है तो वह पिंडारी ग्लेशियर से होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिंडर नदी, इसे ही दोस्तों कण गंगा कहते हैं, ठीक है। और कण गंगा यह अलकनंदा में कण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो याद रखेगा पिंडारी ग्लेशियर यह दोस्तों राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए दोस्तों गंगा नदी प्रसिद्ध है। पीछे पढ़ा था हमने कि रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, तो वह था दोस्तों कोडियाला। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है, तो खिरसू यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में आता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्यटक क्षेत्र है खिरसू जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, बताना है कि उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है, तो उत्तराखंड के वह व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया तो वह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, याद रखिएगा। दूसरे व्यक्ति हैं परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के मेजर शैतान सिंह, और इन्हें 1962 में परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो इन्हें दोस्तों इतिहासकार के रूप में जाना जाता है और उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्हें दोस्तों चारण के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ही दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उत्तराखंड का इतिहास जो कि 12 खंडों में लिखा है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा और टिहरी का इतिहास, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं, तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्होंने दोस्तों दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में की थी और कहाँ की, गोपेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है, तो नंदन कानन को दोस्तों वर्तमान में फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है। बात करेंगे दोस्तों कि फूलों की घाटी को महाकवि कालिदास ने मेघदूत में क्या कहा, तो ये कहा है दोस्तों अलका, ठीक है। तो अलका नाम से दोस्तों फूलों की घाटी का नाम मिलता है मेघदूत में। फूलों की घाटी को अन्य नाम से जाना जाता है जैसे गंधमादन, वेकुंठ, भिंडार, पुष्पवली, पुष्परसा और फ्रैंक स्मिथ घाटी के नाम से, ठीक है। फ्रैंक स्माइथ घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों फ्रैंक स्माइथ के ही द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, तो पंचेश्वर बांध यह दोस्तों काली और सरयू नदी के संगम पर प्रस्तावित है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। 31वां प्रश्न है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान स्थित है, तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में दिल्ली में की गई, ठीक है, और 1976 में इसे देहरादून लाया गया था, ठीक है। इसके संस्थापक आते हैं डीएन वाडिया। अगला प्रश्न रहेगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य का वन्य जीव विहार कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य का वन्य जीव विहार है दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में की गई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आता है 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
फ्रेंड्स, गोविंद वन्य जीव विहार ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई और यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल आता है 485 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में की गई और इस वन्य जीव विहार में दोस्तों सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाई जाती हैं। इसका क्षेत्रफल आता है 600 वर्ग किलोमीटर और यह पिथौरागढ़ में स्थित है। सोना नदी वन्य जीव विहार, तो यह दोस्तों पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 301 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो ऋतु प्रवास किया जाता है दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा, जो कि महान हिमालय या बृहद हिमालय में निवास करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है, तो गब्बर सिंह नेगी इनसे दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी और यह विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न रहेगा गौरी गंगा व काली नदी का संगम होता है, तो गौरी और काली नदियों का संगम दोस्तों जोलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी और यहां पर ही दोस्तों जोलजीबी मेला भी लगता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों 1914 में गजेंद्र बहादुर के द्वारा की गई थी, ठीक है। और यह प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है। 36वां प्रश्न है कोथिक शब्द का अर्थ है, कोथिक ये दोस्तों मेला होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड में कोथिक मेले को बोला जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि 13% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष बोला जाता है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत को दोस्तों हिम पुत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। 40वां प्रश्न है परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं, परिमार्जन नेगी इनका संबंध दोस्तों शतरंज खेल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी और इन्हें 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इनका संबंध दोस्तों चमोली जनपद से है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने दोस्तों इन 40 प्रश्नों का रिवीजन किया, अदर फैक्ट्स भी हमने जाने, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों ये आपको बताना है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न का रिवीजन भी कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास आ चुकी है। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वह क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।